गाइज मेरा नाम मोहम्मद कलाम हुसैन है। गाइज मैं छोटी सी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने पाया है यूनिक सिविल से। गाइज शायद उस वक्त जो मैं सोचता था, मे भी आप सभी वही सोचते होंगे। मैं जब मैं डिप्लोमा का फाइनल ईयर एग्ज़ाम दे दिया, फिर उसके बाद मैं यही सोचने लगा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे ना नई साइड जॉब करना था, नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट था गवर्नमेंट प्रोफेशन में। मैं ये सोचता था कि कोई सॉफ्टवेयर सीख लूँ जिसके बेसिस पर मैं इंडस्ट्री में काम कर सकूँ, पर मुझे कोई ऐसा मेंटर नहीं मिला था उस वक्त जो मुझे सही गाइडेंस कर सके। एक बार मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, तो आकाश सर का वीडियोज़ मैं देखा यूट्यूब पर, उसमें सर ये बोल रहे थे कि सिविल ग्रुप के नाम से एक बैच स्टार्ट होने वाली है, उसमें बीम और स्ट्रक्चर की क्लास स्टार्ट होने वाली है एज अ 4 मंथ्स इंटर्नशिप के रूप में। फिर मैं सर से कॉन्टेक्ट किया, सर के नंबर लेके सर को कॉल किया, सबको सारी बात मैंने बताई। फिर वो सब होने के बाद मैं पुणे आ गया। पुणे आने के बाद गाइस मुझे थोड़ा कंफ्यूज था, मैं पता है कि मैं सोच रहा था यार ऑनलाइन क्लासेस में पता नहीं जो कन्फ्यूजन वगैरह होगा, मैं कैसे मतलब वो रियल होगी, मुझे थोड़ा डाउट था। पर जब क्लास स्टार्ट हुआ ना, और जिस तरह से सर जो तरीके से पढ़ाते हैं ना यार, क्या बताऊँ यार, मैं जो सोचा था उससे जस्ट अपोजिट हो गया। जिस तरह से सर पढ़ाते हैं, जिस कंसिस्टेंसी के साथ सर मतलब पढ़ाते हैं ना, क्या मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इस तरीके से पढ़ाते होंगे। हाँ यार, आप ये भी कह सकते हो कि बहुत सारा इंडस्ट्री है जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है, मे बी ये अच्छी होगी इनसे, पर मुझे नहीं लगता गाइस। वो तो आपको क्या बोलते हैं कि कमांड की नॉलेज देंगे, हाँ सबको यूज कैसे करना है, इसका कमांड का यूजेस कैसे होता है, पर गाइस इतना से नहीं, इनफ नहीं है इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री में जिस लेवल पे काम होता है, लाइव प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है, ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, वो सब मुझे यूनिक सिविल से मिला है। और यूनिक सिविल के अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसे इस तरीके से पढ़ाते होंगे कोई टीचर्स, जिस तरह से पता है गाइस जब हमारी क्लासेस होती है ना, और अगर आप एक बार नहीं समझे वो 10 बार कहने के लिए रेडी है। और आप अगर बाय द वे किसी रीज़न से आपका क्लास मिस हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं आप छूट गया तो कोई बात नहीं मतलब नहीं कर पाओगे, नहीं, अगर मेरे बैच का किसी भी स्टूडेंट्स का क्लास मिस हो गया तो जो पीछे का बैच है आप उसमें जाके सीख सकते हो उसी पैसे में, नहीं कि आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नहीं गाइज। बट अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए पर्सनली सर से, तो वो भी करने के लिए रेडी है। मैंने यार बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, वो बस क्लास तक लिमिट होता है और कुछ भी नहीं। बट ऐसा नहीं है आकाश सर, ऐसा नहीं कि आपको जो भी हेल्प चाहिए उनसे आप ले सकते हो। हमारा ऐसे वीकली टेस्ट, मॉक इंटरव्यू होना, रिटेन टेस्ट होना, अगर आप अच्छा किया तो आपको रिवार्ड भी देते हैं। और ऐसे इतना ज़्यादा मतलब सर इंक्रेजमेंट करते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं ग्राउंड लेवल पे ऐसे काम होता है, ऐसे हमें इंटरव्यू क्लियर करना है, इस चीज़ में ऐसे अप्लाई करना है, बहुत सारा आइडिया है यार। मुझे क्या बताऊँ, मैं तो ऐसा सोचता हूँ यार कि मैं राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाया हूँ। अगर पता है गाइस मैं 3 महीने पहले पुणे आया और 2 महीने के बाद मुझे जॉब मिला था एज अ ऑटोकैड डिज़ाइनर, पता है, और मैंने इंटरव्यू क्लियर किया था, इस सब उस सर का वजह से और जिस सर ने मुझे दिया है ना जो प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म दी है उसकी वजह से। पता है गाइस मैसूर में जो मेरा इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू हुआ था ना, उसमें मैं खुद को मतलब क्या मैं मतलब मुझे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर ने पूछा था उस वक्त, वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मुझे मतलब बहुत सारा कमियाँ थी मेरे अंदर, मैं मानता हूँ, बट अभी जो है एज कम्पेयर टू दैट टाइम, मतलब अभी मेरा बहुत सारा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है उस टाइम के अकॉर्डिंग टू। और मैं आप सबको भी बोलना चाहता हूँ यार, मैं आप ये मत समझो कि मैं इसका मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, नहीं गाइस मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस छोटी सी एक्सपीरियंस लाइफ की आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी अपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सको। गाइस डिसीजन तो लेते हैं हम, बट थोड़ा लेट लेते हैं, उसकी वजह से हम थोड़ा मतलब पीछे रह जाते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए जिस तरह से मैंने अपने ये मतलब जो गैप टाइमिंग 2-3 मंथ है, उसमें मैं इतना कुछ इम्प्रूव कर पाया हूँ खुद के अंदर, अभी तो मेरा बीटेक बाकी है। गाइस मैं आप सबको भी बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब एक बार देखिए यूनिक सिविल को, एक बार आप बिल्कुल ज्वाइन करके देखिए क्या है ये, कैसे क्या चीज़ होता है, आप भी मतलब समझ सकते हैं।
गाइज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, इसका कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा बिल्डअप करा देंगे आपको ना कि आपको कोई भी ऐसा मतलब इंटरव्यू ना हो जो आप क्रेक नहीं कर पाओ, आप कर सकते हो, बट बस आपको राइट डिसीजन लेना है और राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है, आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से सोचते हो। बस गाइज मैं अपनी लाइफ की छोटी सी जर्नी जो मेरे साथ मैंने फील किया था मैं आपके साथ शेयर किया। बस गाइज और आगे की डिसीजन आपके हाथ में है, आप क्या करते हैं अपनी लाइफ के साथ, तो अपनी लाइफ को ग्रो करना है, अपनी लाइफ को एज अ राइट टाइम में मतलब इन कैरियर पाथ को डेवलप करना है, तो प्लीज़ आप सब भी इनरोल होइए इसमें और एक बार मौका दे के देखिए। सो गाइस बस इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू।